नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ भाजपा कह रही है कि सपा में माफियाओं को पोषण पहुंचाया जाता था, तो सपा और अलग अलग चीजें लाकर बीजेपी पर हमलावर है। इन सबके बीच अब अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने पहले योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद मंत्री ने पलटवार किया। अब एक बार फिर सपा ने एक ऐसी ही तस्वीर शेयर कर बड़ा दावा किया है। सपा ने अतीक अहमद के साथ नंदगोपाल गुप्ता नंदी की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में दोनों साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर में दोनों हंसते हुए और दूसरी तस्वीर में दोनों बात करते दिख रहे हैं। ये तस्वीर शेयर करते हुए सपा ने लिखा, योगी जी हत्या का षड्यंत्र आपके मंत्री भाजपा नेताओं ने रचा है। उमेश पाल के साथ जमीन के धंधे में अतीक और आपका मंत्री या भाजपा नेता साझेदार है। एक तरफ भाजपा नेताओं ने षड्यंत्र करके उमेश को मरवा दिया और अतीक से लिए 5 करोड़ रुपए खा गए। आप सदन में सपा पर लगाए झूठे आरोपों पर माफी मांगिए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इससे पहले आरोपों पर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, ये तथ्यहीन अनर्गल और बेतुकी बातें हैं। महापौर चुनाव से इसको जोड़ना यह केवल फिजूल है बल्कि हास्यास्पद भी है। प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में भी कार्रवाई पूरी सख्ती के साथ इसी दिशा में अग्रसर है, जबकि इससे पहले अतीक अहमद की बहन ने कहा, प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने उमेश पाल हत्याकांड का षड्यंत्र रचा, जिससे शाइस्ता परवीन महापौर का चुनाव न लड़ सके। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने प्रयागराज की महापौर अभिलाषा पर उमेश पाल हत्याकांड का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। उन्होंने मंत्री के खिलाफ अतीक अहमद का 5 करोड़ रुपया उधार नहीं लौटाने का भी आरोप लगाया, जिसमें कहा कि अतीक ने शाइस्ता से कहा था कि वो नंदी से 5 करोड़ रुपए वापस मांगे, जो उन्होंने अतीक अहमद से उधार लिया था। आगे देखना होगा बीजेपी इन सब पर चुप रहेगी या कोई प्रतिक्रिया देगी। इस खबर से जुड़ी हर तमाम जानकारी हम आप सभी तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इंडिया न्यूज के साथ धन्यवाद।